खबर आई है कि तुर्की ने भारत से गोनाडोट्रोपिन दवा की मांग की है, जिसका इस्तेमाल प्रसूति और स्त्री रोग में किया जाता है। तुर्की में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF बहुत ज्यादा डिमांड में है। भारत की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार्मेक्सिल ने तुर्की के इस डिमांड का समर्थन किया है। तुर्की में भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हिस्ट्री में पहली बार इंडिया से बार बार अपील की गई है कि हमें चाहिए आपके लाइफ सेविंग मेडिसिन, और इंडिया देने के लिए तैयार भी हो गया है। ये जो तुर्की में वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है वो एड भेज रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब का ये जो पर्सपेक्टिव है कि मुस्लिम वर्ल्ड को किस तरह विन बैक करना है, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ड्राइव है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाह रहे हैं। अगर आप दुनिया के कंट्रीज अपनी स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनाते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, वो ये नहीं देखते कि किसी कंट्री का रिलीजन, कल्चर या सकाफत कोई भी चीज़ उनके साथ मैच करती या नहीं करती, बल्कि वो ये देखते हैं कि कोई भी अगर आप वो ताल्लुक बना रहे हैं, कोई रिलेशन कायम करें, तो उससे उनका क्या इंटरेस्ट है उसमें और उनको क्या बेनिफिट हासिल होता है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। इनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान समेत दुनिया भर में की जा रही है। अगर इंडिया में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है। हम देखते हैं कि API इंडस्ट्री, फार्मेसी इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री, चाइना से शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स इंडिया। इंडिया अपने फार्मेसी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट पकड़ता जा रहा है। हमारी गल्फ कंट्रीज में भी अब इंडिया का राज चल रहा है। इस एंगल से इंडिया को देखेंगे ना तो इसमें फिर ये होगा कि एक तो मैं समझता हूँ कि इट वुड नॉट बी ए फेयर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, लेकिन इससे ये होगा कि इंडिया जो भी अच्छा काम करेगा उसको फिर हम इसी तरीके से जो है ना वो देखेंगे कि जी ये इन्होंने इसलिए कर लिया कि इसमें ये है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल एक खबर निकल के सामने आई, टर्किश मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ तुर्की है भारत में, उन्होंने भारतीय वाणिज्य मंत्रालय से डिमांड की है भारतीय मेडिसिन की। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन थी जिनको लेके तुर्की ने डिमांड किया और भारत गवर्नमेंट ने कहा जी बिल्कुल हम बात करते हैं सप्लायर से और हम आपको डिलीवर करेंगे। दोस्तों तुर्की ने एक समय पर भारतीय दवाइयों को अवॉइड करके USA से महंगी दवाइयाँ खरीदी हुई है। यूरोप से तुर्की महंगी दवाइयाँ खरीदता था लेकिन भारतीय दवाइयों को अवॉइड कर रहा था। लेकिन जब तुर्की को ये पता चला कि USA और यूरोप भारत से ही दवाइयाँ खरीद के उसको बेच रहे हैं महंगे दामों पर, तो इनको 2-3 साल बाद रियलाइज़ हुआ और अब इन्होंने फाइनली भारत से डिमांड की है। भारत को तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जाके तुर्की के कदमों में बढ़े कि भाई हमारी दवाइयाँ खरीद लो, वैसे भी और देश पड़े हुए हैं, ठीक है, तो भाई चाहिए तो आ जाओ, फिर भारत मना भी नहीं करता है, ठीक है। वैसे भी ऑलरेडी हम तुर्की की कई बार सहायता कर चुके हैं, आप लोगों को पता है भूकंप आया होगा तुर्की में, तो सबसे पहले ही भारत उन देशों में से था जो तुर्की पहुंचा था। और रही बात मेडिसिन सेक्टर की, तो आप लोगों को पता ही है दुनिया का शायद कोई भी ऐसा देश ना हो जहां पे भारतीय दवाइयां उपलब्ध ना हो, क्योंकि भारत सस्ता और अच्छा दवाइयां बनाता है। इंडिया से अगर जोड़े हैं और उसके अंदर उसके कोई अल्ट्रा मोटिव, अगर उस तरह के मोटिव आप तलाश करें कि नहीं जी वो ह्यूमैनिटेरियन मदद इसलिए कर रहा है कि हमें इससे फायदा होगा, तो मैं उसको बाय नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हमें इसको फेस वैल्यू पे देखना चाहिए और इंडिया के डेफिनेटली ये मकासद भी होंगे कि इन द लॉन्ग रन हम तुर्की को विन करेंगे, डेफिनेटली ये भी होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि वो इतनी बड़ी मदद कर रहा है और करनी चाहिए। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पैसे हैं उनके पास, और जाहिर है कि मुल्कों के पास जब इस तरह की फॉर्चून हो तो उनको लेस फॉर्चून पीपल और पीपल इन ट्रबल जो है उनकी मदद करनी चाहिए, ये कोई किसी पे आसान नहीं है। ये जो इंडिया आपने कहा ब्रिक बाय ब्रिक मुस्लिम वर्ल्ड के करीब आया, ये सिर्फ वो अकेला नहीं आया, इसमें हमारा भी बड़ा किरदार है उसको लेके आ रहेगा, क्योंकि हम मुस्लिम वर्ल्ड को सिर्फ देखते हैं पैसों के लिए, हम देखते हैं एड के लिए, हम उनको सिर्फ कश्मीर के मकसद के लिए देख रहे हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जो ये बात इंडिया के अंदर हो रही है कि क्यों एड जा रही है टर्की, वो तो कश्मीर पर इतना ज़्यादा जो है वो बोलता है क्या नाम है उनका, और दूसरा ये है कि वैन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन परस्पेक्टिव तो पाकिस्तान में, जैसे मैंने एड की जल्जले कह रहा हूँ फ्लड की बात की और मैंने उसकी कोवैक्स फैसिलिटी की बात की जो UN की तरफ से आनी थी, तो पाकिस्तान की सरकार बोलती थी कि हमें वो नहीं दी गई और वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इंडिया वो भेज रहा है, हालांकि वो इंडिया ने डायरेक्ट हमें वैक्सीन नहीं भेजनी थी, वो आनी UN के प्रोग्राम के तहत थी, लेकिन उन इंडिया ने उसके ऊपर होल्ड लगाया। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में आके फिर ये एक क्वेश्चन जो है वो ये रह जाता है?
बार बार हेल्प डिमांड कर रहा है इंडिया से, मेडिकल में क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी मर्जी है उनकी, जिससे भी सपोर्ट लेना चाहें या जिससे भी कुछ परचेज करना चाहें, हम तो उन्हें नहीं कह सकते कुछ। लेकिन अगर वो देखना चाहें कि इंडिया के साथ हम भी मौजूद हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर इस वे में आप देखते हैं कि मुस्लिम जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनसे परचेजिंग करनी चाहिए, कुछ भी उनसे हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा से ये गलती करता रहा है। जब भी वो सपोर्ट लेनी होती है या US या इंडिया नज़र आता है उन्हें, उनके जो दोस्त हैं जो उनके मुश्किल हालात में हमेशा हम साथ देते रहे, लेकिन जब वो इन सूरत हाल में आते हैं, जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमेशा भागते हैं US की तरफ या इंडिया की तरफ। आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, कि जो इंडिया है वो हमेशा ये सोचता है कि पाकिस्तान को उसने लेट डाउन कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से ये हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं इंडियन लॉबी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि वो जो जितने भी अरेबियन कंट्री है उनको हमारे खिलाफ जो है यूज़ करते हैं। जी बुनियादी तौर पर मैं नहीं समझता कि अगर इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एक मूव है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमनिस्ट बेसिस पे वो किसी की हेल्प कर रहा है, तो हम उसको एकदम जाके मसला है कश्मीर से भी जोड़ दें और तैयब अर्दगान को भी विन करने से जोड़ दें। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना एंगल, ये पहले ही पाकिस्तान को ले डूबा है और मजीद ले डूबेगा। उसकी वजह यह है कि अगेन आप जो है ना इस महाज पे भी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक जलजला कश्कार मुल्क, उसमें अगर आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हेल्प जो है उसको फिर इस एंगल से देखें कि वो जी हमें पॉलिटिकली कोई डैमेज करने के लिए या अपने माइलेज गेन करने के लिए या तुर्की की लीडरशिप को विन करने के लिए या मसला कश्मीर पर उनकी जो एक स्टैंड था उसको किसी तरीके से मॉडिफाई करने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसका मतलब फिर ये है कि इंडिया ने पूरी इस ग्लोब पे कभी किसी मुल्क की इस ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमायत नहीं की है जिनके साथ उसके इस तरह के मसले नहीं जुड़े हुए थे। क्लियर हुई है हमारे देखते ही देखते गुज़श्ता 5-10 सालों में, जिसमें कि उन्होंने सऊदी अरबिया से लेके UAE तक और मिस्र से लेके तो मराकश तक इन मुल्कों को अपने इतने करीब लाया कि पाकिस्तान से ज़्यादा करीब हो गए। बाहर से कहने की बातें दूसरी होती हैं, लेकिन अंदर से आप देखें इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन ये चीज़ें होती हैं ना, ताल्लुक तो इसी बेस पे बनते हैं, तो वो इंडिया के ताल्लुक इन मुल्कों से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो इस हवाले से तुर्की डेफिनेटली, पाकिस्तान के पास दो एक मुल्क रह गए थे, उसकी वजह यह है कि तुर्की की जो लीडरशिप है उसकी फंडामेंटलिज्म इस्लामिस्ट एक अप्रोच और लीनिंग है, इसमें कोई शक नहीं। उसके अंदर जो ताकतवर लॉबी है तुर्की की हुकूमत में वो प्रो इस्लामिस्ट है, और ये बात कहते हुए मुझे कोई जो है वो किसी तरह का शक व शुबा नहीं है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं इसको रिपीट करता हूँ कि प्रो इस्लामिस्ट है। गुज़श्ता 4-5 सालों में जितनी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो कॉन्फ्रेंसिस हुई हैं, जो पहले कभी पाकिस्तान में हुआ करती थी, वो तुर्की में हुई हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, इस वक्त इंडिया के अंदर ये बात हो रही है, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करते हैं, हम सब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, हमारा नेबर भी है, वो ये इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि क्यों एड दी जा रही है, क्योंकि ये तो कश्मीर के खिलाफ बोलते रहे हैं। ये क्वेश्चन वहाँ पे अराइज हो रहा है। एक बात, हम तो जनरली इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा जब कोविड हुआ तो पाकिस्तान में एक जो कोवैक्स प्रोग्राम था UN का, तो बहुत सारी वैक्सीन इंडिया से पाकिस्तान आनी थी तो वो नहीं आई, तो लोगों ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया कि वो क्यों नहीं आई, या कई लोगों ने इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया कि देखें जी जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए तो तब तो इंडिया बढ़ चढ़ के वो अपनी एक जो एनिमोसिटी है उसको बरकरार, वो लेवल नीचे नहीं आया, गो कि पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि हमें इंडिया से एड नहीं लेनी, लेकिन वो एक उसको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बिल्कुल नहीं देखा, उसको एक प्योरली उस एंगल से देखा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि इसको पाकिस्तान को उसमें इक्वेट नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को इक्वेट करना चाहिए। हमने लफ्ज़ सुना है कि कोई भी जो है ना वो देर इज़ नो फ्री लंच नहीं होता, हर चीज़ जो आप इंसान कर रहा होता है उसकी कोई ना कोई उसकी डिज़ायर होते हैं, गोल होते हैं, और होने भी चाहिए, क्यों ना हो। और दोस्तों तुर्की हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर यूरोप के कोई देश हो, USA हो, हर जगह 50% से ज़्यादा दवाइयाँ भारत की बिकती, ठीक है। तुर्की जो है भारत से दवाइयाँ नहीं खरीदता था, वो यूरोप से खरीदता था, USA से खरीदता था, लेकिन स्टिल वहाँ भी भारतीय दवाइयाँ 50% मार्केट को कैप्चर करी हुई है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत की जो मेडिसिन इंडस्ट्री, भारत जो है चाइना से सारी चीज़ें खरीदता है, लेकिन चाइना को एक चीज़ें जो बेचता है भारत जिससे भारत का फ़ायदा होता है वो मेडिसिन, तो आप इसी से भारत की मोनोपोली मेडिसिन दुनिया में समझ सकते हैं। अफ्रीका की 70% दवाइयाँ भारत की होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूरोप में 35% जो दवाइयाँ होती है वो भारत की होती है। इसी तरीके से जो USA में
लगभग 42% के आसपास जो दवाइयाँ होती हैं वो भारत की होती है, बाद में यूएसए उसमें मॉडिफिकेशन करता है, उसको चेक करता है लैब में और भी जो करता है मॉडिफाई करके, लेकिन जो बेसिक मेडिसिन होती है वो 42% यूएसए में भारत की होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर उसमें यूएसए अपने हिसाब से चेंज भी करता है। ठीक है, पाकिस्तानियों को बहुत जलन हो रही है कि भारत से कैसे पूरी दुनिया मेडिसिन खरीद रही है, ठीक है, भारत मेडिसिन के सेक्टर में कैसे इतना आगे चला गया। तो भाई, जलन से अगर काम करोगे तो फिर सिर्फ दुनिया में जलते ही रहोगे, आतंकवाद ही बनाओगे फिर भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, और उसकी आग में खुद जलोगे। इनके यहाँ क्या न्यूज आती है, आज TTP ने हमला करके 5 को उड़ा दिया, BLA ने हमला करके ग्वादर का ये तोड़ दिया, ठीक है, मस्जिद में धमाका हो गया तो इमरजेंसी लग गई, IMF लोन नहीं दे रहा, चाइना का कर्जा वापस करना है, ये सब खबरें पाकिस्तान में धड़ल्ले से चलती रहती हैं। वहीं भारत की बात करें तो अच्छी अच्छी खबरें निकल के सामने आती रहती, और भाई मेडिसिन की बात करें तो भारत मेडिसिन में वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिसिन बेचने वाला देश है। मेडिसिन के सेक्टर में भारत गर्व कर सकता है जिस हिसाब से ये सेक्टर विकास करता है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।